क्राइम नंबर 76 है और वो क्राइम जो है एससी हुआ 532 of 60 जो कि हॉनेबल 8th एडिशनल एमएलजे को दिया गया, जिसमें हमारे कंप्लेनेंट मोहम्मद यूसुफ हाजा साहब है और इंजर्ड विक्टिम जो है मोहम्मद यूसुफ साहब है और हमारे मजरुद्दीन गौरी साहब सीनियर एडवोकेट और एम ए अजीम साहब सीनियर एडवोकेट के जेर निगरानी में मैं शेख अब्दुल अकरम और सैयद इरफान अहमद साहब एडिशनल पीपी को असिस्ट करते हुए ये A1 सैयद ताज, A2 सैयद हसन, A3 सैयद मेहराज को जो है कन्विक्शन मिला अंडर सेक्शन 307 के तहत, जो कि 3 ईयर्स का इम्प्रिजॉनमेंट मिला और 2000 रुपीज़ फाइन, और A1 और A2 दोनों को 506 के तहत 1 ईयर का जो है इम्प्रिजॉनमेंट मिला और 500 रुपीज़ फाइन है। और ये A2 जो है हसनबा, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनके कई सारे केसेस है, क्रिमिनल केसेस ट्विन सिटीज़ में पेंडिंग है, साइबराबाद में, हैदराबाद में, और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है ये लोग। और काला पत्थर का नटोरियस रोडिशीटर है हसनबा बोलने वाला A2, और कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत अच्छा जो है जजमेंट आया, 3 ईयर्स और 1 ईयर मिला के टोटल जो है 4 ईयर्स का इम्प्रिजॉनमेंट मिला इन लोगों को विद फाइन। और ये केस कब रजिस्टर हुआ था? ये 2015 में हुआ था रजिस्टर, अंडर सी जो है 532 of 2000 क्राइम नंबर 76 के तहत 2016 में हुआ। एडिशनल 8 मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के पास ये केस चला है, इसका जजमेंट जो है 15 February 2018 को आया है कल ही, और कितनों को सजा हुई? ये 3 भाई हैं, A1, A2 और A3, तीनों को सजा हुई। A1 और A2 को जो है 307 और 506 में 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हुआ, और A3 को सिर्फ 307 में इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन। आपका मुकाबला क्या है किस बात से? हम सबसे ये दरख्वास्त करते हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट को अप्रोच करिए, लीगल जो है वेज अपनाइए, कोई इलीगल वेज से मत जाइए, कोर्ट को अप्रोच करिए, इंसाफ बराबर सब।